नमस्कार दोस्तों, भारतीय रेल से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। जी हां, बिहार के गया और झारखंड के धनबाद रेल लाइन पर हुआ बड़ा ट्रेन हादसा। मालगाड़ी ट्रेन के 8 डिब्बे पटरी से उतरी। अचानक हुए इस हादसे से अफरा तफरी का माहौल बन जाता है। आखिर इतनी बड़ी रेल दुर्घटना किस रेलवे स्टेशन की है, कब हुई है, क्या है पूरी घटना, जानेंगे इस वीडियो के अंदर विस्तार से। इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, मेरा आपसे आग्रह है, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो चलिए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। दरअसल होता यूं है कि बिहार के गया धनबाद रेल लाइन पर गया से आ रही एक मालगाड़ी के 8 डिब्बे अचानक से बेपटरी हो जाती है, जिसके कारण गया नवादा रेल मार्ग पर आवागमन पूरी तरह से ठप हो जाता है। बेपटरी हुई बोगिया कोयले से भरी हुई थी, जिससे ट्रैक पर कोयला बिखर गया। मालगाड़ी बंधुआ स्टेशन से नवादा की ओर जा रही थी। उसी ट्रैक पर मानपुर के रसूलपुर गुमती के पास यह हादसा हो जाता है। घटना की सूचना मिलते ही रेलवे के अधिकारी और बचाव दल मौके पर पहुंच जाते हैं। रेलवे लाइन को दुरुस्त करने और यातायात को बहाल करने का काम जारी कर दिया जाता है। इस संबंध में रसूलपुर रेलवे गुमती के पास कार्यरत ऑन ड्यूटी रेलवे फाटक कर्मचारी ने बताया कि हादसे में 3 ट्रैक बेपटरी हो गई। जाम के कारण रेलवे फाटक के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग जाती है। हादसे के कारण स्थानीय लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। यह घटना 26 अगस्त 2024 का बताया जा रहा है। घटना के बाद आरा गया और दानापुर से दुर्घटना राहत गाड़ी मौके पर पहुंच जाती है, जिसके बाद युद्ध स्तर पर काम किया जाता है। तो दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही थी कि गया से नवादा जा रही मालगाड़ी का पहिया रसूलपुर रेलवे गुमती के पास अचानक से बेपटरी हो जाती है। अच्छी बात ये रही कि हादसे के दौरान किसी भी आम आदमियों की जान नहीं जाती है, सभी आदमी सुरक्षित होते हैं। बाकी बार बार हो रहे इस प्रकार के रेल दुर्घटना के बारे में आपके क्या राय है, नीचे कमेंट कर अपनी राय हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।